तो आज के हमारी इस क्लास में बात करने जा रहे हैं लूप लूप के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि लूप की ज़रूरत क्या है। हालांकि इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो एक बार दोबारा हम रिपीट करते हैं कि लूप होता क्या है और कितने तरह का होता है। तो मैं यहाँ पे एक पिवट टेबल, एक मॉड्यूल इंसर्ट करके सब्जेक्ट लगाता हूँ। अब सिंपल से जान लीजिए कि मेरे पास जो डेटा है ना, उसको बस मुझे कॉपी पेस्ट करना है, एक के नीचे एक के नीचे। जैसे ये बना हुआ है, इसको मुझे एक के नीचे एक के नीचे कॉपी पेस्ट करना है। तो कॉपी पेस्ट करने का क्या होता है कि आप यहाँ पे लिखते हैं A1 से C6 .copy और फिर पेस्ट करने के लिए आप लिखते हैं रेंज A65000 .and xls up dot page offset wise पे offset और दो रो 0.paste space। ठीक है, अगर मैं इसको रन करता हूं तो एक बार कॉपी करेगा, लेकिन मुझे पांच बार कॉपी करना है, तो इस कोड को हमें पांच बार रिपीट करना होगा इस तरह से, तब ये पांच बार कॉपी पेस्ट करेगा। लेकिन ये तो लिमिटेड हो गया ना, 100 बार करनी है, 200 बार करनी है तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसी केस में हम यूज करते हैं लूप को। तो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा कोड हमें रिपीट करना है। जैसे कि आपका जो है रेंज A1 .copy, तो कॉपी तो एक ही बार करनी है ना, हम कॉपी एक बार करके कई बार पेस्ट करते हैं ना, तो पेस्ट वाले कोड को रिपीट करना है ना। तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ कि for i = 1 to 5 और फिर यहाँ पे कर देता हूँ नेक्स्ट लाइन। तो ये क्या करेगा, इस लाइन को 5 टाइम रिपीट करेगा। देखिए, ओके, तो लूप का काम होता है कि फोर और नेक्स्ट के बीच में जो लाइन ऑफ कोड है, चाहे एक लाइन हो चाहे 100 लाइन हो, उनको रिपीट करता है जितना बार आपने आई का मान दिया हुआ है। तो आई का मान क्या है, 1 to 5 1 to 5। अब जान लीजिए कि लूप होते कितने तरह के। बेसिकली लूप जो होते हैं दो तरह के होते हैं, फोर एंड डू। फोर लूप के भी दो पार्ट है, जैसे कि फोर आई, इसमें हम स्टार्ट टू एंड करते हैं कि आई इक्वल टू, अब आई की जगह कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है, स्टार्ट टू एंड। और दूसरा होता है फोर इच। तो यहां आपके पास अगर स्टार्ट टू एंड है तो हम इसका यूज करते फोर का, फोर आई का। फोर इच का यूज कब होता है, जब सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए जितना एरिया हमने सिलेक्ट किया है उतना ही लूप चलना है, या जितने सीट से उतना ही लूप चलना है, तो उस केस में हम यूज करते हैं फोर इच का। डू में दो चीजें होती है, डू में हम देते हैं वाइल और देते हैं अनटिल। तो डू लूप का यूज कब होता है, तो यहाँ पे क्या है कि फोर इफ की काउंट लिमिट है। जैसे कि आपने स्टार्ट टू एंड दे दिया कि 1 से 10 चले, या फिर आपने 10 सेल सेलेक्ट कर लिया या 10 सीट सेलेक्ट कर लिया, तो काउंटिंग फिक्स है। लेकिन हम डू का यूज करते हैं कंडीशन पे, जैसे कि मैं इंटरनेट खोलूं जब तक मेरा पेज का स्टेटस रेडी नहीं होता है तब तक वेट करें। एक फोल्डर में जितने भी फाइल है सारे फाइल को कॉपी पेस्ट करें या कुछ भी करें। तो ऐसे केसेस में हम यूज करते हैं डू वाइल का। तो पहले हम फोर इच को पढ़ेंगे, उसके बाद बाकी चीज़ों को पढ़ेंगे। जैसे कि मेरे पास यहाँ है, मैं चाहता हूँ 1 से लेकर 100 तक का नंबर देना। तो यहाँ पे सब लूप _1। अब यहाँ पे देते हैं कि फोर फोर i इक्वल टू, हमने बोल दिया 1 to 20 और नेक्स्ट।
अब मुझे यहाँ पे देना है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सेल्स आई कॉमा वन डॉट वैल्यू इक्वल टू आई। रन कीजिए, एक से लेके 20 तक का नंबर बना दिया। मुझे मान लीजिए जितने भी शीट्स हैं सारे शीट्स का मुझे नेम चेंज करना है, तो यहाँ हम देंगे सब्जेक्ट लूप अंडरस्कोर टू, मैं यहाँ पे लगाते हैं कि फोर आई इक्वल टू चले वन टू शीट्स डॉट काउंट और नेक्स्ट आई। अब यहाँ पे हम करेंगे एक एक शीट पे जाना है, तो शीट्स शीट्स में आई डॉट नेम इक्वल टू डेटा। अब डेटा नाम के दो फाइलें तो नहीं बन सकती है ना सर, इसके साथ हम आई को कंसीडर कर देते हैं और रन कीजिए। देखिए जितने भी शीट्स हैं सबका नाम हो गया। मान लीजिए सारे शीट्स को डिलीट करना है, तो यहां क्या करेंगे, वी यहां पे सी डॉट काउंट और यहां डॉट नेम। हाँ सीट वन डॉट डिलीट और यहाँ पे सीट वन नहीं होगा, सीट्स आई होगा और यहाँ क्या देंगे, मैंने बताया था ना सीट जब भी डिलीट करते हैं तो क्या देते हैं, एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट वर्कशीट फंक्शन फ्री होगा एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट इक्वल टू फॉल्स। लेकिन प्रॉब्लम होगी, अच्छा इस माइक्रो को रन करने में क्या प्रॉब्लम होगी सर, बता सकते हैं विजित जी? एक सेकंड, लेकिन चलेगा, लेकिन प्रॉब्लम करेगा, एरर आएगा। चल तो जाएगा क्योंकि सारे को सारे हम डिलीट कर रहे हैं, तो एक सीट तो होना ही चाहिए शायद, तो इसलिए यहाँ पे लिख देंगे एप्लीकेशन ऑन एरर नेक्स्ट। यस बट एक ही डिलीट हुआ कहला, ऐसा क्यों हुआ? ए हमने 1 2 3 किया, अब जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ से एक सी डिलीट किया तो फिर ए वन हो जाएगा ना, ए टू हो जाएगा, थ्री तो रहेगा नहीं, बात समझ रहा है कि नहीं? जैसे पांच सीट हमने पांच सीट किया, अभी देखिए क्या दिक्कत है इसमें, जैसे इफेक्ट करता हूँ तो ए हमारा सीट क्या हो गया, ए हो गया आई, तो पहले सीट को डिलीट कर दिया, ठीक है? तो अब सीट की संख्या कितनी हो गई, ये वन यहाँ पे 1 2 3 4 फाइव तो होगा नहीं, फिर डिलीट करेगा टू, तो 1 2 3 4 तो रहेगा नहीं, समझे कि नहीं? सीट से काउंटर लगा रहे ना। हाँ इसी के लिए हम यहाँ पे कर देते हैं वन, कि हर बार सीट वन को डिलीट करो, चलो उतना जितना सीट्स है लेकिन पहली सीट को डिलीट करो। अब एक सीट छोड़ दिया बाकी सीट रह गई, समझे? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हाँ क्लियर। अब जैसे कि मेरे पास डेटा है राइट, अब मैं चाहता हूं कि इसमें जो ब्लैंक सेल है ना उसको डिलीट कर दे, ठीक है? तो इसके लिए कोड लिखते हैं सब्जेक्ट लूप अंडरस्कोर फोर लाइक क्लोज फोर आई इक्वल टू चले 1 2 15 नेक्स्ट आई और हमने यहाँ पे लिख दिया रेंज, सेल भी दे सकते हैं रेंज भी दे सकते हैं आई डॉट
एंटायर रो डॉट डिलीट। तो इसमें भी सेम प्रॉब्लम होगी। इसमें हमने इसमें क्या ने लगाया, कंडीशन ने लगाया, ब्लैंक वाला कंडीशन नहीं वाला, इफ सेल इक्वल टू ब्लैंक, ठीक है। तो यहां कंडीशन देना था हमें, इफ इसको लीजिए डॉट वैल्यू इज इक्वल टू जीरो देन ये काम तो करें, ठीक है। मैं रन करूं इसको, अभी भी प्रॉब्लम हो गई, ठीक है सर। हेलो जी जी, हेलो, समझ में आया प्रॉब्लम, क्या दिक्कत हुआ सर? वो अरे बस ऑफिस शिफ्ट हो गया ना, वहाँ का पीसी तो पता नहीं अभी सेटअप नहीं हुआ, जो है मैं मोबाइल से कनेक्ट कर रहा था, तो फिर पीसी से करा था, वो नहीं पड़ा था। ठीक ठीक है, रिकॉर्डिंग दे दूंगा आपको मैं। ए बिचित जी, देखा आपको क्या प्रॉब्लम है? सेम जो यहाँ प्रॉब्लम थी वो यहाँ प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। तो इसको कैसे करें? मेरे हिसाब से जो मुझे लग रहा है, पहले सेल वन को सिलेक्ट करें एंड देन हमारे कोड रन हो, तभी जाके सिलेक्शन अभी 13 रो पे। हाँ, तो यहाँ पे दिक्कत ये हुआ कि अब डायरेक्ट डिलीट कर रहे हो ना, ये दिक्कत हुआ। तो इसके लिए अभी क्या करना है, कुछ नहीं करना है, मुझे यहाँ पे m इक्वल यहाँ पे लिख दीजिए m m एज ए स्ट्रिंग, ठीक है। और यहाँ पे मैं देना है m इक्वल टू सेल्स i कॉमा वन डॉट एड्रेस, ठीक है। लेकिन कैसे, m के साथ हमने इसको कॉन्केट कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे रेंज m डॉट एंटायर रो डॉट डिलीट। तो इसको एक बार सीक्वेंस देख लेते हैं, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ताकि सीक्वेंस अगर कोई मिसमैच होगा तो पता चल जाएगा ना गलती कहाँ पे हुई है। रन करते हैं, एरर आया। एरर क्यों आया? क्योंकि m में जो m को आप देखेंगे तो यहाँ तो सब ठीक है, लेकिन पहले कॉमा है, देख रहे ना, पहले आपका जो कॉमा लगा हुआ है, इस कारण से। तो मैंने क्या किया, m इक्वल टू मैंने बोला राइट m, और हमने बोला लेन m माइनस वन, फिर इसको ऊपर करते हैं और फिर इसको रन करते हैं, ठीक है। अब जैसे ब्लैंक आ गया, तो हमने 15 देखी गया था ना, हमारा डेटा ज़्यादा था ना, इसलिए, ठीक है। समझ में आएगी ना मैं आपको, आपको तो मैंने क्या किया, एक बार वापस से बता दीजिए, रिपीट करवा दीजिए। तो क्या है कि मेरे पास डेटा है जहाँ पे कि कुछ ब्लैंक्स भी है और कुछ ब्लैंक्स भी है और कुछ डेटा भी है इस तरह से, तो मैं ब्लैंक को डिलीट करना है। तो हमने क्या किया कि डायरेक्ट डिलीट करते हैं तो प्रॉब्लम आती थी कि जैसे जैसे नंबर आगे इंक्रीज होता है वैसे जैसे एड्रेस चेंज हो रहा था। तो हमने क्या किया, जो जो ब्लैंक सेल थे ना, सबके एड्रेस को एन के ऊपर होल्ड करवा दिया कॉमा सेपरेटर से,
क्योंकि हम जो है अगर मान लीजिए मुझे दो रो को डिलीट करना है तो हम इस तरह से लिखते हैं ना कि रेंज ए यहाँ पे ए टू कॉमा ए फाइव कॉमा ए नाइन इस तरह से लिखते हैं ना सर, यहाँ लिखते हैं डॉट डिलीट एंटायर रो डॉट डिलीट, क्या लिखते हैं मतलब एम का वैल्यू जो है ये सारे को कॉमा के साथ सेपरेट कर दो सारे रो। एन के ऊपर क्या हुआ, एन के ऊपर मैंने बोला कंडीशन अगर वैल्यू जीरो है तो उसकी एड्रेस को एन के एम पे पहले से जो वैल्यू डली हुई है उस पर कंबाइन कर दो, ये देना जरूरी है। अगर नहीं दीजिएगा तो क्या करेगा, पिछले बार एड्रेस को इस नए एड्रेस से रिप्लेस कर देगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, रिप्लेस नहीं कर रहा है, दोनों को कंबाइन कर रहा है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है सर, डाउट इसमें। और ये जो है उसके बाद में फिर हमने वन जो किया है m equal to right m वो क्या कर रहा है वो बताओ। अब क्या हुआ ना कि शुरुआत में फर्स्ट टाइम तो m ब्लैंक है ना, तो ब्लैंक के साथ कॉमा लग गया तो पहले शुरुआत में सिर्फ कॉमा था, इस कारण से एरर आ रहा था। मतलब कि क्या कर दिया उसने, कर दिया कॉमा और a1 कर दिया, समझ गए। तो मैंने क्या बोला कि राइट से डेटा को अलग करो, पूरी डेटा में से एक कम माइनस कर लो, पूरा लेंथ में से एक कम को माइनस कर लो, इससे क्या हुआ कॉमा छोड़ के बाकी सारा डेटा एम पे डाल देगा, ठीक है, क्लियर है, ठीक है सर। तो मैंने इफ के तकरीबन पांच एग्जांपल लूप के, मैं आपके पांच एग्जांपल बताए, अब आप लोग इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, और प्रैक्टिस करने के बाद आप क्या करें कि इसके 10 एग्जाम्पल आप लोग बना के दें, जी हाँ 10 एग्जाम्पल, ठीक है।